सो वी विल सी ईयर्स के किस तरह से ईयर्स में बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है uh, बहुत सी बातें गौर करने वाली हैंड इज अड्रेड फिनमिना इनफेंट्स एंड चिल्ड्रेनरली एट रिस्क ऑफ वायलेंस बाई प्राइमरी केयर गिवर्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स देखिये एक तो ये कि पूरी दुनिया का यह फिनमिना है किसी एक, एक मुल्क या एक खत्ते का फेनोमेना नहीं है कि बच्चों के साथ वायलेंस की जाती है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है वो फिजिकल भी हो सकता है वो मेंटल भी हो सकता है उसकी कोई और भी शक्ल हो सकती है अफसोस की बात यह है कि वायलेंस घर से शुरू होती है पेरेंट्स की तरफ से या केयर गिवर्स की तरफ से उनको उनकी उम्र के को मलहूज खातिर ना रखते हुए उनको डिसप्लिनाइज करने की कोशिश की जाती है और किसी न किसी तरह से हम उनको नुकसान पहुँचाते हैं सो हैव मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसिस एरियाज़ ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जैसे हमने ये अर्ज किया था कि बच्चे के ऊपर एक एक बात का असर लॉन्ग लास्टिंग है आज कोई अच्छी बात हुई है सारी उम्र के लिए उसके ऊपर इम्प्रिंट हो गई हैं चीज़ें कि उसको फायदा हो हो सकता है और अगर आज कोई चीज़ गलत हो गई है तो सारी उम्र में उसकी शख्सियत बिगड़ सकती है उसको कोई गलत चीज़ जो है वो उसको नुकसान पहुँचा सकती है तो हम क्या देखते हैं कि स्पेशली फ्राम मदर्स पुअर निगलेक्टेड और अब्यूज ऐसी माएँ जिनको खुद एब्यूज किया जाता है उनके शौहर उनको मार रहे हैं या वो गुरबत की वजह से मजबूर हैं किसी भी वजह से भी अब्यूज़ होती हैं उनके बच्चे साथ ही उस एब्यूजमेंट का शिकार हो तो इसलिए सबसे पहले फिर माओ का ध्यान रखना होगा एक माँ सेहतमंद और महफूज माहौल में होगी तो उसका बच्चा भी सेहतमंद और महफूज माहौल में होगा प्रॉब्लम्स अब ये स्ट्रेस कई तरह का हो सकता है जैसे अर्ज किया पूरे घर में अगर स्ट्रेस है माँ उस स्ट्रेस का शिकार है बाप भी उस स्ट्रेस का शिकार है तो बच्चा उस स्ट्रेस से बच नहीं सकता ये गुर्बत का स्ट्रेस भी हो सकता है ये वॉर का स्ट्रेस भी हो सकता है ये माइग्रेशन का स्ट्रेस भी हो सकता है ये अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस भी हो सकता है और बहुत से हमारे ऐसे दुनिया के अंदर एरियाज हैं जहाँ हम पुश करते हैं फैमिलीज को कि वो मीगर से मीगर कम से कम हालात में गुजारा करें तो और दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो आपकी रोज़मर्रा की फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैसर नहीं तो ऐसी जगहों पे वक्त गुजारने वाले ख़ानदान जो हैं उनके बच्चे जाहिर है महरूम हैं और महरूमियत का शिकार हैं सो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और ये हर जगह हो सकते हैं ख्वाब वो वेल फैसिलिटेटेड वेल एकुप्ड होम्स हों स्कूल्स हों क्योंकि इसका तल्लुक आपके सोशल और मॉरल बिहेवियर्स के साथ हैं कि लोग एक दूसरे के साथ ट्रीट कैसा करते हैं उनसे मिलते जुलते हैं किस तरह की बात करते हैं किस तरह से डील करते हैं तो यहाँ पे कुछ मेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स भी इसका बायस बन सकते हैं देर आर पॉजिटिव गेंस टू बी मेड एंगेजमेंट ऑफ रूटीन सर्विस प्रोवाइडर्स तो अब हम इससे बचने के लिए क्या पॉजिटिव कर सकते हैं एक पहली बात तो ये कि हम रूटीन सर्विसेज की प्रोविजन जो है वो एशोर करें यानी सबसे पहले एजुकेशन फिर जब बच्चे घर में हैं उनको खाना ठीक मिले उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो उनको केयर हो जो उनके रोजमर्रा के मामूलत हैं स्कूलों में उनको बेहतर तालीम मिले फिर उनको सेहत की सहूलियात मिले यही सर्विसेज है ना जो हम अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैंग्नीशन ऑफ द नीड चुप्रिटाइज वायलेंस प्रोटेक्शन फिर हम ये देखें कि हमारे बच्चों को वायलेंस से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या इकदाम करने हैं हमें उनको ताकि हम उनको हर तरह की परेशानी तकलीफ़ और जुल्म से बचाएं। हाई लाइटिंग द लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और ये कैंपेन चलाना ज़रूरी है कि अगर बच्चों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा तो इसके बड़े अच्छे नतज निकलेंगे अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं अपनी शख्सियत में महरूमी का शिकार होंगे ऐसी बहुत सी रिसर्चे सामने आई हैं कि अगर बच्चे को अर्ली एज में अब्यूज़ किया गया या उसको परेशान किया गया या उसकी मेंटल सोशल मॉरल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं वायोलेट किया गया वो बड़ा होकर दूसरों के साथ भी वही करता है और वो उसकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाता है पहले वो खुद उस महरूमी का शिकार होता है उसके बड़े नतज हैं फिर वो दूसरों को भी इसी तरह से ट्रीट करता है क्योंकि आप जिस बर्तन में जो डालेंगे उसमें से वही निकलेगा सो फॉस्टरिंग अ सेफ एंड नर्चरिंग फैमिली इन्वामेंट तो सबसे पहले हमें जो आपका होम स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है वालदेन को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि बच्चे को शुरू से किस तरह से हम मुख्तलि परेशानियों से चोट से गलत खाना खाने से बचा सकते हैं और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जिसमें उसकी फ़िज़िकल और सोशल डेवलपमेंट वो ठीक से हो वायरस अगेंस्ट चिल्ड्रेन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन द एस डी चीज तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी हमें यही बताते हैं कि हम अपने बच्चों को वायलेंस से बचाएंगे तो फ्यूचर के लिए हम काम करें